दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज किया गया है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको बताएंगे कि क्या नोटिस रिलीज किया गया है और एक पीयूष गोयल जी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर हैंडलर पर एक रेलवे रिक्वायरमेंट RPF के रिलेटेड न्यूज़ अपडेट किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए चेतावनी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए क्लिक ओपन होगा। तो आप हिंदी पे पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश पे पढ़ना चाहते हैं, तो बेसिकली जो दिया गया है कि फेक जो भी ब्रोकर लोग होते हैं जो कि हाई जॉब के नाम पे दलाली करते हैं और पैसे लेके जॉब के से ठगते हैं, तो उसके रिलेटेड एक अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रेलवे द्वारा, ताकि सतर्क रहें, आप कहीं भी पैसे न दें या कोई भी पैसा मांगे तो पैसा न दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई बिचौलिया, दलाल अथवा जॉब रैकेट आपको रेलवे में नौकरी नहीं दिला सकता है। जल जाह तत्वों का पर्दाफाश करें, याद रखें केवल योग्यता ही आपको रेलवे में नौकरी दिला सकती है। सभी भारतीय रेलों पे करीब 90,000 रिक्तियों को भरने हेतु हाल में ही रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा रोजगार सूचनाएं 1/2018 तथा 2/2018 जो कि एक ALP और टेक्नीशियन के लिए है और 2 ग्रुप D के लिए है, जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रेलवे बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटर आधारित है और चयन पूर्णतः उम्मीदवारों की योग्यता पर निर्भर है। रेलवे भर्ती बोर्ड कभी भी एजेंटों अथवा कोचिंग केंद्रों को अपने कार्य करने हेतु नामित नहीं करता है। केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों, रोजगार समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, सूचनाओं पर ही विश्वास करें। तो दलालों और जॉब रैकेट से सावधान रहें जो कि आपके रेलवे में किसी प्रभाव से या फिर दूसरे अनुचित और अनैतिक माध्यम से नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके आपको धोखा देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रेलवे द्वारा, तो आप भी उसके झांसा में ना आएँ और अपने मेहनत पे ध्यान दें। तो दूसरा जो अपडेट है वो है पीयूष गोयल जी द्वारा, ये देख रहे हैं कि आप पीयूष गोयल जी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है, तो उसमें एक RPF का नियुक्ति के लिए जो अभी अधिसूचना आने वाली है 9,000 वैकेंसी के लिए, उसमें बताया गया है कि लगभग 50% मीन 4,500 ओमेन टू बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टैंड बाय द नेक्स्ट ईयर, मीन्स उसमें 4,500 जो होंगे वो वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, 50% आरक्षित होंगे। तो जो भी महिला कैंडिडेट इसके तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को देखें और तैयारी में लगे रहें। तो ये बेसिकली हमारा एक अपडेट था आपको प्रोवाइड करने का, और मैं डेली यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड फ्री कोचिंग का वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे डेटा साइंस, जनरल साइंस का, मैथमेटिक्स का, GK का, GS का सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप प्ले लिस्ट में जाएं, यहाँ पे GS और GK, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारे वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं 1x1। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।